इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आयन 7 में आप सभी का खैर मकदम। कहते हैं फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएंगे तो सब आ जाता है, मगर एहसास मर जाने से तो माशरा मर जाता है। माशरे में इंसानी सामाजिक खिदमत करने के भी कुछ पेशे होते हैं। अगर कोई फौज में जा रहा है तो देश की सेवा करता है, यानी खिदमत अंजाम दे रहा है। कोई टीचर असातिज़ा है तो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी इन्हीं असातिज़ाओं पर होती है। उसी तरह से डॉक्टर्स की अपनी खिदमत होती है, जिसे कुछ लोग तो इंसानी शक्ल में भगवान कहते हैं, अल्लाह का बंदा कहते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी मौत के फैसले तो अल्लाह ही करता है, लेकिन दवा इलाज सुन्नत है और इसी के ज़रिए से शिफा मिलती है। ये और बात है कि तमाम खिदमात पैसे कमाने के ज़रिए बन चुके हैं और अक्सर लोग इसे ज़रिए माश के तौर पर ही देखते हैं। आज जब कोरोना आलमी वबा का कहर जारी है तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ती है और हर कोई इन्हीं की तरफ उम्मीद से देख। कहते हैं कि अगर किसी मरीज का डायग्नोस यानी बीमारी की पहचान थोड़ी गलत दिशा में जाती है तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जाहिर है मरीजों के साथ मौतों के आंकड़े भी तारीख के मियार पर पहुंचते हैं। बेलगाम अंजुमन कब्रिस्तान में सिर्फ एक हफ्ते में 200 की मौत वाकई होने की खबर है। आखिर इतनी तेजी से मौतें क्यों हो रही है, जबकि WHO कहता है कि कोरोना एक मामूली वायरस है और इससे मरने वालों की तादाद 100 या 200 मरीजों में एकाद की होती है। पर सिर्फ बेलगाम जैसे छोटे शहर की ही बात की जाए तो मौतों के आंकड़े हर रोज 25 से 30 हो रहे हैं। सिर्फ अंजुमन कब्रिस्तान में हफ्ते में 200 लोग मर रहे हैं। जाहिर है शमशान में भी मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है। मुर्दा घरों में लाशों के ढेर लगाए जा रहे हैं और कभी कभी तो लाशों के अदला बदली होने की भी वारदातें हो रही है। सिविल अस्पताल में इलाज ठीक से न होने की बात कही जा रही है। सेहत महकमा और DC कहते हैं कि मुनासिब बेड आज भी मौजूद है, पर सिविल अस्पताल में बेड की कमी है, यह भी सच्चाई है। खैर, आज अगर मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है तो इसके असल वजह यह है कि मरीजों का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा। इससे भी पहले अगर हम मोहल्ले के डॉक्टर्स की बात कहें, जिन्होंने अब जरूरत के वक्त अपने क्लिनिक बंद करके घरों में बैठे ताकि अपने आप को कोरोना ना हो, इन्हीं की वजह से मौतों के आंकड़े बढ़ने की बात कही जा रही है। बात भी सही है, जब आप किसी मोहल्ले में बरसों अपने खिदमत अंजाम देते रहते हैं, आज जब मोहल्ले के लोगों को आपकी यानी कि डॉक्टरों की जरूरत है तो क्या यह मुनासिब है कि आप क्लिनिक को बंद करके घरों में बैठे रहे। यकीनन आपकी भी जान कीमती है, पर जो पेशा आपने चुना है महज पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है, बल्कि खिदमत को अंजाम देने के लिए चुना है, लिहाजा डॉक्टर्स की जिम्मेदारी अब दुगनी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, कई सारे डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की जानें बचाई, बचाने की कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। कई जगहों पर तो डॉक्टर्स खुद शहीद भी हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इनकी इज्जत इनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देगा, जिन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानी पेश की है। ऐसे डॉक्टरों को इत्तेहाद न्यूज़ सलाम पेश करता है, क्योंकि इन्होंने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया हुआ। हमारा सवाल उनसे है जिन्होंने सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचकर कईयों की जानों को मौत के मुंह में धकेला है। क्या तुमने किसी मोहल्ले में क्लिनिक को शुरू कर इलाज के साथ पैसे नहीं कमाए? आप जब बड़े अस्पतालों को मरीज भेजते हैं तो कट नहीं मिलता, दवा गोलियां सलाइन किसमें आपके हाथ गीले नहीं होते? हमें शिकवा उस बात से नहीं है, शिकवा या शिकायत इससे बिल्कुल नहीं है कि आपने कितनी कारें और कितने अपार्टमेंट तामीर किए। आज कोरोना आलमी वबा से खासकर गरीब तबका परेशान है। बड़े अस्पताल 2-2 लाख बिल कर रहे हैं, अगर शुरुआत में ही इलाज किया जाए मरीज यकीनन ठीक हो जाएगा। लिहाजा झूठे क्वारंटाइन की कहानी बनाकर घर में बैठे डॉक्टर्स को बाहर निकलने की जरूरत है और फिर से क्लिनिक खोलने की जरूरत है माशरे को तुम्हारी। यकीन मानो, अब तुम्हें आखिरत की कमाई करने का मौका है। आखिरत पर भरोसा नहीं तो कम से कम इंसानियत के लिए सही आओ और गरीबों का इलाज करो, क्योंकि अक्सर हमारे गरीब मोहल्ले मजदूर पेशा लोगों से भरे पड़े हुए हैं, इन्हें बीमारियों के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता। ऐसा दौर कभी किसी ने नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा कभी। इस तरह से 200-200 लाशों का मंजर जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा था। दिन में 20-25 मौतों को पहली बार देख रहे हैं। कितने घर उजड़ गए, घरों के अक्सर लोगों की मौतों को भी देखा, एक ही घर के भाइयों की वालिदैन की मौतों को देखा।
कम उम्र नौजवानों की मौतों को इसी कोरोना आलमी वबा की वजह से होते देखा है। लिहाजा और मौतों का नजारा ना देखने को मिले, किसी तरह हर शख्स सेहत तंदुरुस्त हो और एक बार फिर से पुरानी खुशहाली हर जगह नजर आए। यकीनन जिम्मेदारी डॉक्टरों की है जो अब निभाने का वक्त है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि उन्हें घर से बाहर निकल कर इन गरीब मजदूर जो कई जगह पर जाकर धोखे खा रहे हैं, मौत के आगोश में चले जा रहे हैं, लिहाजा इनकी जानों को बचाया जा सकता है अगर डॉक्टर्स बाहर पढ़कर अपने क्लिनिक को शुरू करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।